हेलो, इस वीडियो में हम 23 अगस्त 2021 की जो थर्ड शिफ्ट है उसके जो जीके के हैं 25 में 24 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये था कि KMnO4 में जो ओ है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि जो प्रशांत डोरा है जो कि 44 ईयर्स में जिनकी डेथ हो गई थी वो किस खेल से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा फुटबॉल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि केवड़िया से कहाँ तक की सी प्लेन व्यवस्था चालू की गई, तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत कोकिला किसे बोला जाता है, तो इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू को। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि 4 पर्यटन स्थल दिए गए थे, उनमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा गुजरात से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा रानी की वाव। ठीक है, छठे में हमें 4 पक्षी दिए गए थे, बोला था कि इनमें से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता, तो इसका आंसर होगा कीवी। ठीक है, कीवी उड़ नहीं सकता। नेक्स्ट पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन ये था कि जो जेल पर्यटन है वह किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, आठवां क्वेश्चन ये है कि जो एथिकल रिलीजन बुक है वो किसने लिखी है, तो इसका आंसर होगा MK गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। नवा क्वेश्चन ये है कि 10th अनुसूची किस अमेंडमेंट के बाद जोड़ी गई थी, तो वो आएगा 52 अमेंडमेंट की, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 52 अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दसवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जो लैंड है वह गोडावन लैंड से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑप्शन में था उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो आंसर होगा हमारा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका गोडावन लैंड से संबंधित नहीं है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन 1857 की क्रांति से रिलेटेड था कि 1857 की क्रांति का कब अंत हुआ, तो इसका आंसर गूगल पे मुझे मिला नहीं, आपको मिल जाए तो कमेंट में बता देना। जहाँ तक है इसका आंसर दिल्ली होगा, क्योंकि दिल्ली के जहाँ पर दिल्ली को जब सप्रेस कर दिया था तो इस क्रांति का अंत हो गया था। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है वो ये था कि जो निर्णायक मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ वो किसकी बदौलत इंडिया जीती थी, यानी मैन ऑफ द मैच किसे मिला था, तो वो आएगा ऋषभ पंत। ठीक है, 13वां क्वेश्चन ये था कि जो उड़ीसा 4 डांस दिए गए थे, बोला गया था इनमें से कौन सा फोल्क डांसर वह उड़ीसा से रिलेटेड है, तो एक राउफ था, एक गिद्दा था, वो दो तो होंगे नहीं, और दो ऑप्शन मुझे याद नहीं, तो जहाँ तक है पेनका या मुनेरी में से एक ऑप्शन था जो कि उड़ीसा के फोल्क डांस है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन ये था कि धुआंधार जलप्रपात किस स्टेट में, तो आएगा MP यानी मध्य प्रदेश में। 15वां क्वेश्चन था गौतमीपुत्र सप्तकर्मी किस राजवंश से रिलेटेड है, तो यह आएगा सातवां राजवंश से। 16वां क्वेश्चन ये था कि जो देवनागरी लिपि की जो वर्णमाला है वो तो किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा ब्राह्मी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन ये था कि किस ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है, मतलब वह ताप बताना है जिस पे कोई पदार्थ जलने लगता है, एक क्वथनांक था, एक गलनांक था, तो इसका आंसर होगा ज्वलन ताप, ये ऑप्शन में था। ठीक है, इग्नाइट टेम्परेचर। 18वां ये था कि प्रोटेम स्पीकर को कौन अपॉइंट करता है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां कि लीवर में अगर लीवर पीला पड़ जाए तो कौन सा रोग होता है। ठीक है, यानी लीवर से रिलेटेड कौन सी बीमारी है, तो आएगा पीलिया यानी जोंडाइस। ठीक है, 20वां क्वेश्चन ये था कि बाबर और किसके बीच में खानवा का युद्ध हुआ था, तो इसका आंसर होगा राणा सांगा। 21वां क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महजरनामा की जो 1579 में लिखी गई थी या फिर जो भी था ये, वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अकबर। ठीक है, अकबर ऑप्शन में था। 22वां क्वेश्चन है QRSAM इन चारों ऑप्शन में से किससे रिलेटेड है, तो एक ऑप्शन में ये भी था कि क्यूक रिएक्शन शॉर्ट रेंज मिसाइल करके था। ठीक है, तो वो आंसर सही होगा। जो 23वां क्वेश्चन है वह रबर ड्रम से रिलेटेड था कि आँख कान नाक, इनमें से कौन सा रबर ड्रम से रिलेटेड है, तो ये मुझे पता नहीं, एग्जैक्ट गूगल पे मिला नहीं, आपको मिल जाए तो बता देना कमेंट करके। और जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, वो मुझे याद नहीं। ठीक है, तो ये हमारे 24 क्वेश्चन है। थैंक यू।